सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं ASUS की लैपटॉप। ASUS का Vivobook लैपटॉप है एंड उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड देखते हैं क्या मिलता है अनबॉक्सिंग में, मतलब बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है एंड लैपटॉप के साथ एंड लैपटॉप कैसा है, सारे रिव्यू पता, मतलब कि उसके अंदर क्या क्या मिलता है, लैपटॉप के अंदर क्या क्या मिलता है एंड ASUS का Vivobook है। मैं लैपटॉप की मतलब जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एंड लिंक भी, परचेज लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो वहाँ से आपको अगर परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पर मेरे पास बॉक्स एंड यहाँ पर दिखा देता हूँ चारों तरफ से कि बॉक्स कैसा है। आप देख ही सकते हैं मेरे हाथों में फोन बॉक्स है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। सो यहाँ पर इंटेल इनसाइड लिखा हुआ है यहाँ पर लेफ्ट साइड, क्योंकि इंटेल का प्रोसेसर है, ऑब्वियस सी बात है। सो इसको जल्द से जल्द अनबॉक्स कर लेते हैं। एंड गाइज, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट की साइड इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल ASUS। एंड गाइज, ASUS के रियलिटी में प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं, मैंने यूज़ किए हुए हैं एंड गाइज रियलिटी में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। सो गाइज, यहाँ पर फर्स्ट लुक आप देख ही सकते हैं, थैली में पैक हुआ हुआ रखा है। सो इसको थैली में से निकालते हैं, पहले इसको साइड में रखते हैं एंड बॉक्स में अंदर की तरफ देखते हैं कि क्या क्या मिल जाता है। सो सामने की तरफ देखने को मिल जाती है टेम्पलेट्स थोड़ी सी, जो कि आजकल कोई नहीं पढ़ता है गाइस रियलिटी में। एंड राइट साइड में देखूँ सो यहाँ पर हमें चार्जर मिल जाता है इसके साथ एंड ये अडाप्टर हमारे पास एंड वायर अडाप्टर की। सो यहाँ पर ASUS लिखा हुआ है, ब्रांडिंग हो चुकी है एंड यहाँ पर गाइस जो क्वालिटी है मैं भी काफ़ी सही है एंड लेंथ भी काफ़ी सही है गाइस, इतनी वो नहीं है। तो एंड गाइज, यहाँ पर थैली में से निकाल लेता हूँ, तो फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ आपको थैली में से निकाल कर। सो गाइज, यहाँ पर मेरे पास सिल्वर कलर में वेरिएंट है, सो आप देख ही सकते हैं सिल्वर कलर में वेरिएंट कैसा है ये। एंड चारों तरफ से दिखा देता हूँ, यहाँ पर पोर्ट्स दिखते हैं हमें देखने को मिलते हैं बेसिक पोर्ट। बॉटम की साइड दिखा देता हूँ, सो गाइज ग्रे कलर में मिल जाता है एंड यहाँ पर फैन हमें दिख ही रहा है एंड दो स्पीकर। सो यहाँ पर चारों तरफ से एंड गाइज यहाँ की बात करूँ सो एग्जॉस्ट भी दिख जाता है एंड बेसिक पोर्ट्स मिल जाते हैं जो एंड गाइज सी टाइप भी मिल जाता है इसमें, जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। तो गाइस को साइड में रखते हैं एंड इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। सो गाइस, इसमें इंटेल की तरफ से i3 with 10th जनरेशन इसमें प्रोसेसर मिल जाता है एंड ये 1TB HDD के साथ आता है जो मेरे पास वेरिएंट है एंड 4GB रैम वाला वेरिएंट है मेरे पास। एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका मैं बता देता हूँ गाइस आपको, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशो इसका 82.5% है एंड जो इसका वेट है मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसकी जो स्क्रीन की बात करूँ सो स्क्रीन हमें फुल HD मिल जाती है। सो गाइस, प्लास्टिक बॉडी के साथ मिलता है एंड इसका जो वेट है वो है 1.9 किलोग्राम्स, जो कि सही है एक प्लास्टिक बॉडी के होने के बावजूद। तो 1.9 किलोग्राम इसका वेट है एंड जो लुक है मुझे काफ़ी प्रीमियम लग रही है एंड ओपन कर लेते हैं इसको जल्द से जल्द। सो मुझे जो इसकी लुक आ रही है सिल्वर कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर लिखा हुआ गया ASUS इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स इन इनक्रेडिबल एंड गाइस इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक कार्ड है, मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इसमें मिल ही जाते हैं इंटेल की तरफ से, वो तो सब में मिल जाते हैं लेकिन वो ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करते हैं। एंड ये जो मैंने लैपटॉप ख़रीदा है सो इसमें जो फिंगरप्रिंट भी है एंड अगर आपको ये खरीदना भी है सो मैं इसकी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर परचेस कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप मेरी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले इस वीडियो को और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को एंड अगर आपने अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया सो प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचेंगी जो भी मैं अपलोड करूँगा लेटेस्ट अपडेट्स। सो मिलते हैं ऐसी ऑसम वीडियो में एंड अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ एंड वगैरह वगैरह ऑसम वीडियोज़ में। स्टे ट्यून्ड।